पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो रहमान है वह लक्ष्मी को बेचना चाहता था और करामत अली को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात भर बिना बिस्तर की चारपाई पर लेटा रहा। नींद उसकी आँखों से कोसों दूर रही। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को लेकर सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। यहाँ पर हुज्जत यानि झगड़ा या मनाई करना। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। इत्मीनान से मतलब आराम से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आना, यहाँ पर यह मुहावरा है। गला भर आना मतलब भाव विभोर होना, आवाज़ भर आना। उसकी आँखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। भारी कदमों से मतलब दुखी मन से वह लक्ष्मी को गौशाला छोड़ने के लिए जा रहा था। तो यहाँ पर यह पाठ हमारा खत्म हुआ है। अभी आगे देखेंगे हम शब्द संसार मतलब नए शब्द, कठिन शब्द जो दिए है वह अपनी कापी में आप लिखो। उसके बाद है मुहावरे, मुहावरे भी लिखने हैं। और पाठ पढ़ाते समय मैंने बीच बीच में भी आपको जो शब्द के अर्थ बताए हैं वह अर्थ भी अपनी कापी में लिखिए। आगे देखेंगे हम स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जिस तरह हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा स्वकृतियुक्त स्वाध्याय, उसी तरह आज हमें 10वीं कक्षा में भी कृतियुक्त स्वाध्याय देखने हैं। तो पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो संजाल कौन सा है? यह मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। तो रहमान ने जब उसे मारा था तो उसके व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आया है? देखो, लक्ष्मी बड़ी भयभीत हुई थी। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी, बार बार उछल कूद करती थी और गले की रस्सी तोड़कर आज़ाद होने का प्रयास करती थी। यह हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अभी दूसरा प्रश्न, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं, इसका हमें उचित घटनाक्रम लिखना है। तो पहला है, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। दूसरा, रहमान बड़ा मूर्ख है। तीसरा है, उसके गले में रस्सी थी। और चौथा है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। यह हो गया उचित घटनाक्रम। अब तीसरा उत्तर लिखिए। तीसरा है, ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। ज्ञान सिंह को पशु प्रेम है, यह कौन सी बातों से दर्शाया गया है पाठ में? तो यह है, उसके मवेशी पालने का शौक, उसके दरवाजे पर हर वक्त गाय या भैंस बंधी रहती थी। 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी और परेशानी होने पर भी वह गाय को बेचना नहीं चाहता था। यह हो गए ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। उसके बाद चौथा प्रश्न है, गलत वाक्य सही करके लिखो। तो उसमें पहला है, करामत अली
पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। तो सही वाक्य है पिछले एक करामत अली पिछले एक साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। दूसरा वाक्य है करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। इसका सही वाक्य है करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। यह सही वाक्य है। वहाँ आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। यहाँ पर अभी कौन सा वर्णन करना है? करामत अली की गाय का। तो करामत अली की गाय का नाम है लक्ष्मी, उम्र है अधेड़ उम्र, नस्ल है जर्सी और स्थिति है बूढ़ी हो जाने के कारण दूध नहीं देना। यह उसकी आज की स्थिति है। अभी छठा प्रश्न देखिए, कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि दोपहर होने तक रहमान और रामजानी ने अभी तक गाय को चारा नहीं दिया था, इसलिए करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। दूसरा है रामजानी ने करामत अली को रोगन दिया क्योंकि रहमान ने उसे बड़ी बेदर्दी से पीटा था और इसकी वजह से उसके पीठ पर जो लक्ष्मी के पीठ पर जो घाव लगे थे उस पर लगाने के लिए रामजानी ने करामत अली को रोगन दिया। तीसरा है रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहाँ पर धूप से बना चारा वह खा सकेगी, इसीलिए उससे रहमान ने क्या किया है, नाले के पास लक्ष्मी को छोड़ाया है। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। क्यों भर्ती किया लक्ष्मी को गौशाला में? क्योंकि पैसे की तंगी के कारण करामत अली के अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था और वह लक्ष्मी को भूखा रहते देख नहीं पाया, इसीलिए वह लक्ष्मी को गौशाला छोड़ाया। सातवां प्रश्न है हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है, देखो खत, खत मराठी में उसे खाद कहा जाता है और हिंदी में उसे पत्र कहा जाता है। उसी प्रकार हमें इस 4 शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिखने हैं। पीठ तो हिंदी का अर्थ है शारीरिक अंग और मराठी का अर्थ है आटा, खाना, और यहाँ पर हिंदी का अर्थ है भोजन और मराठी का अर्थ है दराज। चारा हिंदी में उपाय और मराठी में जानवरों को खिलाने की सामग्री है। कल हिंदी में आने वाला समय और मराठी में है प्रवृत्ति। आगे देखो दिया है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में क्या दिया है? यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यह स्वमत का प्रश्न है, आप इस पर अपने विचार लिखेंगे। यहाँ पर हर एक के विचार अलग अलग आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह लक्ष्मी पाठ पूरा हो गया। ठीक तरह से और एक बार पढ़िए और स्वाध्याय पूरा कीजिए।